हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.1। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आपको बेटा इस क्वेश्चन में दो रैशनल नंबर दिए हैं, दो परिमेय संख्याएं दी। आपसे कहा है क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं। तो बेटा सबसे पहले आप उन्हें सिंपलेस्ट बना लो, फिर कंपैरिजन करके देख लो क्या ये इक्वल है या नहीं। फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बेटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे ही समझ में आ गया ये इसके इक्वल नहीं है। फिर भी बेटा लिखने का तरीका क्या होता है वह भी हम सीखेंगे। सबसे पहले बेटा इसे लिख लेते हैं, इधर बच्चों इसे लिख लिया, ठीक है। ये माइनस 7 को बेटा 7 × 1 लिख सकते हैं, 21 को बेटा 7 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 7 से बेटा 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1/3 बचा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। अब बेटा इधर चलो, आप बेटा इस 3 को लिख सकते हो 3 × 1, इस 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, 1/3 बचा। अब ये इसके इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है और ये बेटा पॉजिटिव है, ये बात हमें यहाँ भी पता चलेगी। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है उसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या लिखोगे बेटा, -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब ये -1/3 कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया। तो यहाँ इसको लिख दो, -7/21 इज नॉट इक्वल टू, ये 1/3 बेटा यहाँ से आया, यहाँ लिख दो। ये हो गया कि बेटा ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। अब बच्चों इस रैशनल नंबर को चेक करेंगे ये इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसे लिखो -16/20, यहाँ लिख लेते हैं 20/-25, ठीक है। ये बेटा माइनस, इसको बेटा आप 4 × 4 लिख सकते हो और 20 को 4 × 5 लिख सकते हो, ठीक है। ये बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आया, -4/5, ठीक है। अब इस 20 को आप बेटा 4 × 5 लिख सकते हो, ये माइनस, इस 25 को बेटा 5 × 5 लिख सकते हो, 5 से 5 कैंसिल, ये बेटा 4/5, ये माइनस। इस माइनस को बच्चों आप इन पर भी लगा सकते हो, एक ही बात। अब ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन ये आया बेटा, इसका सॉल्यूशन भी ये आया, दोनों सेम आए, इसका मतलब ये बेटा इसके क्या हो गया, इक्वल। तो लिख देते हैं, ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल है, बराबर है। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसे लिखो, अब बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, क्या बचा बेटा, 2/3, और बेटा ये तो सिंपलेस्ट है वैसे ही रहेगा। आप ध्यान दो इसका सॉल्यूशन बेटा 2/3 आया और ये तो 2/3 वैसा ही है ना। तो बेटा ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर इस वाले रैशनल नंबर के इक्वल है, बराबर है। अब बच्चों हम चेक करेंगे ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ये रैशनल नंबर ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इसे और सिंपल नहीं बना पाएंगे, इसे वैसे ही। अब इसको देखो, ये -12/20, ये माइनस साइन, बेटा 12 को आप 4 × 3 लिख सकते हो, ठीक है, और 20 को बच्चों 4 × 5 लिख सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, -3/5,
बच्चों इसका सॉल्यूशन -3/5 और ये बेटा -3/5 दोनों बेटा इक्वल आए, हम क्या कर सकते हैं -3/5 इक्वल है बेटा इसके -12/20 के। अब बच्चों हमें चेक करना है ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है या नहीं। सबसे पहले इसे लिखो, ये रैशनल नंबर ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, हम इसे सिंपलेस्ट और नहीं बना पाएंगे, तो बेटा इसको देखो -24/15 बेटा इसे सिंपलेस्ट बनाया जा सकता है। ये -24 को बेटा 8 × 3 लिख सकते हो, 15 को बेटा 5 × 3 लिख सकते हो, 3 से 3 कैंसल, क्या आया बेटा -8/5। आप ध्यान दो इसका सॉल्यूशन बेटा -8/5 आया और ये भी बेटा -8/5 है। क्यों? क्योंकि बेटा इस साइन को आप यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो आया वही ये है वही, तो बेटा ये इसके क्या हो गया इक्वल बराबर। तो लिख देते हैं, अब बच्चों हमें चेक करना है ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है या नहीं। बेटा हमें यही पता चल रहा है इक्वल नहीं है, क्यों बेटा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इक्वल नहीं होगा। यदि बेटा आपको और क्लियर करना है तो बेटा हम एक और काम कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर दोनों के सेम बना लेते हैं। ये बेटा 1/3 ठीक है, इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है 9 बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9, क्या करें ऊपर नीचे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/9 ठीक है, और ये -1/9 वैसे ही है ना। अब आप ध्यान दो ये बेटा 3/9 है और ये बेटा -1/9 है, दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम बनाए। अब बेटा हमें नीचे तो ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि सेम नंबर है, लेकिन बेटा ऊपर वाले नंबर पे ध्यान, बेटा ये पॉजिटिव है ये 3 है और ये -1 है, क्या 3 - 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो बेटा 3/9 इज नॉट इक्वल टू -1/9। सिंपल शब्दों में बात करें तो यही बात खत्म हो जाती, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन बेटा क्वेश्चन को करने का बताने का तरीका होता है, तो बेटा डिनोमिनेटर को सेम बता के फिर बता दीजिए कि बेटा ये इसके इक्वल नहीं है। अब बच्चों हमें यहाँ बताना है क्या ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल है या नहीं, तो बेटा ध्यान देना दोनों को मैं लिख लेती हूँ -5/-9 ध्यान देना बेटा डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, ये सेम। अब बेटा हमें नीचे ध्यान नहीं देना, किधर देखोगे ऊपर वाले नंबर पे, ऊपर बेटा +5 है इधर बेटा -5 है, क्या +5 - 5 के इक्वल होगा? नहीं होता है, तो बेटा क्या साइन लगाओगे नॉट इक्वल। इस तरह से बेटा ये रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है।